हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। चारों गाड़ी में बैठ जाते हैं। अनुष्का ने राजवीर को अपनी तरफ देखते हुए नोटिस किया और साथ ही साथ इग्नोर किया। फिर भी राजवीर अनुष्का को घूरे जा रहा था। तब अनुष्का कहती है, आप हमें ऐसे देखना बंद करेंगे? तभी राजवीर कहता है, क्या आप वही अनुष्का हैं जिसे हम जानते हैं? तभी अनुष्का कहती है, वो अनुष्का तो कब की मर गई है, अब हम सिर्फ और सिर्फ अनुष्का पीयूष प्रताप हैं। हमारा जन्म ही खास वजह से हुआ है, हमारे पास टाइम की कमी है। हमें 10 दिनों में यहाँ की सारी चीज़ों को अपनाना है और अपनी रियासत को वापस संभालनी है। हमारे ख़ानदान की इज्जत अब हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हम किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहेंगे। और हमें लोग क्या सोचेंगे, ये सब सोचना हमने कब का बंद कर दिया है, इस वजह से हम इतने बदल गए हैं। तभी राजवीर कहता है, आपने अपने आप को बदला नहीं है, आप पहले से ही ऐसी थी, पर यहाँ आने के बाद आप खुलने लगी हो। राजवीर अनुष्का की बात सुनकर उसे बड़े प्यार से देखे जा रहा था। अनुष्का को बड़ा अजीब लगा। तब अनुष्का ने कहा, कुंवर सा, मुझे घूरना बंद करें आप। तभी राजवीर कहता है, मुझे आपको घूरना अच्छा नहीं लगता, बस मैं कुछ सोच रहा था आपको देखकर, इसलिए आपको लगा कि मैं आपको घूर रहा हूँ। अनुष्का और राजवीर की लड़ाई देखकर काव्या कहती है, राजवीर मुझे तो यकीन नहीं है, एक प्रिंसेस मेरी बचपन की दोस्त है और एक प्रिंस मेरा लगभग दोस्त बन चुका है, वाह मैं कितनी लकी हूँ ना। तभी समीर कहता है, मैं इस राजवीर के साथ बचपन से था, पर इस साहबजादे ने मुझे कभी फील ही नहीं करवाया कि ये प्रिंस है, हमेशा घमंड में तो ये वैसे ही रहता था, पर दोस्ती में ये कुछ भी करता है, इसलिए तो मेरा दोस्त लाखों में एक है। तभी काव्या कहती है, मेरी दोस्त अनुष्का को कम मत समझो, तुम्हें पता नहीं कॉलेज में कितने लड़के अनुष्का के पीछे पड़े थे और ये उन्हें भाव भी नहीं देती थी, और किसी ने उसे प्रपोज करने की हिम्मत भी कर दी तो अनुष्का उसे पीटने लगती थी और इतना मारती थी कि वो इंसान हॉस्पिटल में जाता था। काव्या की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। तभी अनुष्का कहती है, बस कर तू, तुझे तो मेरी इज्जत का ख्याल ही नहीं कुछ भी पकती रहती है, तू मेरी दोस्त ना होती तो तुझे इस वीरान रेगिस्तान में छोड़कर आती मैं। अनुष्का की बात सुनकर काव्या नौटंकी करते हुए कहती है, नहीं राजकुमारी साहिबा, हमें इतनी बड़ी सजा मत देना। सब लोग हंसी खुशी सारा सफ़र तय कर रहे थे। तभी अनुष्का के गाड़ी के आगे सुजीत अपनी गाड़ी लेकर आता है और कहता है, ओ होने वाली घरवाली, बाहर निकलो। अनुष्का अचानक आवाज़ सुनकर कहती है, हम इसे संभाल लेंगे, पर आप में से कोई बाहर नहीं निकलेगा। अनुष्का एक गन अपने कमर में छुपाकर बाहर निकलती है। तब राजवीर कहता है, आपके बस में नहीं है, इसे संभालने मैं आता हूँ आपके साथ। तभी अनुष्का कहती है, ये हमारी लड़ाई है, हम इसे खुद लड़ेंगे, आप बैठो। ये कहकर अनुष्का गाड़ी से निकलती है। अनुष्का बेखौफ तरीके से गाड़ी से बाहर निकलती है। तब सुजीत अनुष्का को ऊपर से नीचे तक घूरकर देखता है और कहता है, कातिल लग रही हो। तब अनुष्का कहती है, जल्दी बोलो क्या कहना है, नहीं तो हम सच में ही आपके कातिल लगेंगे। तभी सुजीत कहता है, उफ आपका ये गुस्सा, पर इस पर तो हम मरते हैं, हमने हमारी पूरी जिंदगी में आप जैसी कातिल हसीना नहीं देखी, जो खूबसूरत होने के साथ ही लोगों का कत्ल भी करती है। हमने सुना आप पर हमला करने वाले आपने हमारे एक आदमी को मार के लाश हमारे महल में भेज दी। अनुष्का कहती है, शुक्र मनाओ हमने तुम्हारी लाश नहीं भेजी, उस दिन हमारे पास मौका भी था, पर हमने सोचा खेल को इतनी जल्दी ख़त्म करना ठीक नहीं है, तो हमने आपकी जान बख्श दी। आप कुछ बोलेंगे, हमें यहाँ क्यों रोका है? तभी सुजीत बड़े स्टाइल में अनुष्का के पास जाकर कहता है, आपसे मिलना था तो आ गए, वैसे आपको बताना चाहते हैं कि आपकी शादी बचपन में ही हमसे तय हो गई है, तो आप कुंवर सा से दूर रहो, आप पर हमारा हक है। अनुष्का सुजीत की बात सुनकर गुस्से में आती है और अपनी गन लेकर सुजीत के सारे आदमी को मारती है और कहती है, हम कोई चीज़ नहीं है जो कोई आया और हम पर हक जताए,
हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम जो डिसाइड करेंगे वही होगा आज से, समझे? अनुष्का का गुस्सा देख राजवीर हैरान था। तभी सुजीत अनुष्का को कमर से पकड़ता है और कहता है, बहुत हुआ प्यार से बात, अब हम आपको बताते हैं हम क्या कर सकते हैं। तभी राजवीर और समीर गाड़ी से बाहर निकलते हैं। राजवीर कहता है, अनुष्का को छोड़ दो। तभी सुजीत कहता है, इसे बहुत घमंड है ना इसकी खूबसूरत पर, तो चलो मैं आज इसे दिखाता हूँ मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। ये कहकर सुजीत अनुष्का को ले जाने लगा। तभी राजवीर ने उसे रोका और कहा, आप गुस्से में क्या कर रहे हो, आपको पता भी नहीं ये राजकुमारी है, आप इन पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, नहीं तो आप अपनी सारी इज्जत मिट्टी में मिलाएंगे। हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, यह आपके और अनुष्का के बीच की बात है, पर आप ऐसा नहीं कर सकते। तभी सुजीत कहता है, किसने कहा हम इनके साथ ज़बरदस्ती करेंगे, हम तो इन्हें अपनी रानी बनाकर रखेंगे, बकायदा शादी करके, शादी के बाद देखेंगे इनके साथ क्या करना है, इन्हें जिंदा छोड़ना है या नहीं। बस हमें सारी प्रॉपर्टी चाहिए और ये भी तो चाहिए, इसलिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं हम। राजवीर ये सारी बात सुजीत को गुमराह करने के लिए कहता रहा। राजवीर ने अनुष्का को इशारा किया, अनुष्का राजवीर का इशारा समझ गई और सुजीत को धक्का देकर राजवीर के पास गई। राजवीर ने इशारा करके समीर को कहा, अनुष्का को यहाँ से ले जाओ। समीर ने अनुष्का को कार में बिठा दिया। अनुष्का जैसे गई तभी राजवीर ने सुजीत को कॉलर से पकड़ा और मारने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनुष्का को हाथ लगाने की, तुम्हारी गंदी नज़र हमेशा मेरी अनुष्का पर थी, मैंने एक बार तुम्हें समझा कर जिंदा छोड़ दिया था पर अब नहीं। राजवीर ने गन निकाल ली और कहा, आपका टाइम ख़त्म हो गया सुजीत सिंह। तभी अनुष्का बीच में आती है और कहती है, हमने क्या कहा था, ये हमारी लड़ाई है और आप बीच में नहीं आएंगे। अनुष्का पलट कर कहती है, हमने एक बार फिर आपकी जान बख्शी, जाकर अपनी माँ को ज़रूर बताना। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है आइए सुनते हैं। राजवीर गुस्से से गाड़ी में आकर बैठता है और गाड़ी सीधे महल में जाती है। राजवीर बिना कुछ बोले अपने रूम में जाता है। अनुष्का अपने रूम में चेंज करने लगती है, तभी उसके रूम का दरवाज़ा खुलता है और उसके रूम में राजवीर आता है और रूम को लॉक करता है। अनुष्का राजवीर को देखकर शॉक होती है और अपना दुपट्टा ठीक करती है। तभी राजवीर अनुष्का के पास आता है और कहता है, हमसे इतनी शर्म और उस सुजीत से बिल्कुल भी नहीं, अनुष्का आपने हमें रोका क्यों, उसने आपको हाथ लगाया फिर भी आपने हमें चुप करवा दिया और उसे जाने दिया, ऐसा क्यों? राजवीर अनुष्का के और करीब जाने लगा और अनुष्का का बिखरा हुआ दुपट्टा निकाल कर बोला, उसने आपको कमर से पकड़ा था है ना, अब हम भी आपको ऐसे ही पकड़ेंगे तो आप हमें ऐसे ही जाने दोगी। तभी अनुष्का कहती है, राजवीर छोड़ो हमें, तुमने हमारी कमर को कितना ज़ोर से पकड़ा है। राजवीर हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी आप गुस्से में हो इसलिए आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हो। राजवीर अनुष्का के और पास आकर कहता है, जैसे आपको पता है आप क्या कर रही हो, हमने आपका एक साल इंतज़ार किया, आपको पता है क्या ये सब, हम आपसे प्यार करते हैं क्या आपको पता है, हमने इतना सब कुछ किया और आप पर कोई और हक जताता है, हमें ये पसंद नहीं, आप पर सिर्फ हमारा हक है जो हम पाकर ही रहेंगे, ये आप भी जानती है, जो चीज़ हमारी होती है वो हम किसी भी हालत में पा लेते हैं, इतना तो जान ही लिया होगा आपने हमें। तभी अनुष्का कहती है, बस करो क्या कर रहे हो, अब तो हमें लगने लगा है हम पैदा ही नहीं होते तो ही अच्छा होता, अरे हम कोई चीज़ नहीं है, हमारी भी फीलिंग है। सुबह सुजीत आता है, अब आप आए हो, अरे हमारा तो सोचो, हम बहुत परेशान हो गए हैं, ना हम सुजीत को पसंद करेंगे और ना आपको, तो आप दोनों दूर रहो मुझसे, मुझे बख्श दो और मेरा दुपट्टा वापस दो। तभी राजवीर कहता है, नहीं देंगे, आप मेरी हो तो आपका दुपट्टा भी मेरा। तभी अनुष्का कहती है, मत दो, रखो अपने पास और निकलो मेरे कमरे से, मुझे चेंज करना है। अनुष्का की बात सुनकर
राजवीर अनुष्का के बेड पर लेट जाता है। अनुष्का अपनी आंखें बड़ी करके देखती है और कहती है, राजवीर मैंने कहा निकलो। अनुष्का की बात को राजवीर अनसुना करता है। अनुष्का कहती है, राजवीर तुम्हें ऐसे मेरे कमरे में नहीं होना चाहिए। तभी राजवीर अनुष्का को रोक कर कहता है, तुमने क्या कहा? तुम मुझे भी नहीं सिलेक्ट करोगी और उस सुजीत को भी नहीं करोगी, इस बात से मैं खुश हूँ? तो अनुष्का कहती है, वो किस लिए खुश हो? तब राजवीर कहता है, तुम मुझे नहीं चुनोगी और ना ही सुजीत को, इसका मतलब है तुम्हें पाने की रेस में मैं अकेला हूँ। अनुष्का पूछती है, वो कैसे? तो राजवीर कहता है, तुम सुजीत को अपने पास नहीं आने दोगी और मैं किसी और को तुम्हारे पास आने नहीं दूंगा, तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है और वो है मिस्टर राजवीर, और वैसे भी हमारी शादी तो हो चुकी, सिर्फ तुम्हें वो शादी एक्सेप्ट करनी है, इसलिए मैं अपनी पत्नी के कमरे में उसके बिस्तर पर सो सकता हूँ, ये मेरा कानूनी हक है। तभी अनुष्का कहती है, कैसा पति? तुम्हें मैं पतिवती नहीं मानती हूँ, तुम पहले निकलो मेरे बेड से। राजवीर, मुझे तुमसे लड़ना नहीं है, इसलिए मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, मेरे आने से पहले तुम यहाँ से निकल जाना, नहीं तो मैं तुम्हें देख लूँगी। ये कहकर अनुष्का अपने कपड़े लेकर बाथरूम में जाती है और चेंज करके बाहर निकलती है और भूल जाती है कि कमरे में कोई है। अनुष्का आईने के सामने बैठकर अपने बालों को सुखाने में लग गई। राजवीर बेड पर से ही अनुष्का को ही निहारे जा रहा था। अनुष्का को लगा कि इतना कुछ कहने के बाद राजवीर चला गया होगा। राजवीर अनुष्का के ही बेड पर आराम से लेटकर अनुष्का को प्यार से निहारता रहता है। अनुष्का के बाल सुखाने के बाद अनुष्का जैसे पलटी सोने के लिए, तभी उसकी नज़र राजवीर पर पड़ती है और वो जल्दी से अपना दुपट्टा ओढ़ कर कहती है, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना यहाँ से जाने के लिए। तभी राजवीर कहता है, जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत है उसे थोड़ी अपनी बीवी से दूर रहना सहन हो जाए। तभी अनुष्का राजवीर के पास आती है और कहती है, राजवीर कुछ तो शर्म करो, तुम एक बड़ी रियासत के इकलौते वारिस हो, तुमको ऐसी हरकत करते हुए किसी ने देखा तो क्या कहेंगे? अपनी इज्जत का थोड़ा तो ख्याल करो, निकलो यहाँ से। तभी राजवीर कहता है, किसकी हिम्मत है हमारे सामने मुँह खोलने की, हम भी तो देखें। तभी अनुष्का अपनी आंखें बड़ी करके कहती है, अभी तक हमने आपको पति माना नहीं, तो आप हम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते और ना ही हम वो सहन कर लेंगे। तभी राजवीर कहता है, ज़बरदस्ती करनी होती तो कब का कर चुके होते, और आप भी हमको रोक नहीं सकती, पर हम ऐसा करेंगे नहीं। अनुष्का कहती है, जब हम आपको मन से पति मानेंगे तब हम खुद आपके पास आपकी बाहों में होंगे और वो दिन हम कभी आने ही नहीं देंगे, तो आप निकलो। तभी राजवीर कहता है, हम आपके ऊपर ये रिश्ता थोपना नहीं चाहते, तो आपके निर्णय की इज्जत करते हैं, इसलिए जा रहे हैं, पर याद रखना वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब आप हमारी बाहों में होंगी। राजवीर ये कहकर चला जाता है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। राजवीर अनुष्का के ख्याल में सो जाता है, पर अनुष्का के आंखों से नींद उड़ चुकी थी और वो अपने मन में सोच रही थी, हम क्या करें जो आपसे दूर रह सके, जितना आपसे दूर रहने लगते हैं उतना ही आप हमारे पास आते हैं, आप क्यों नहीं समझते, हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं हम कब तक उस मनीषा से बच पाएंगे, हम कमज़ोर नहीं है पर हम जब तक सतर्क रहेंगे तब तक ही बच पाएंगे, और इन सब में हम आपको घसीटना नहीं चाहते, क्या करें अब जो आप हमसे दूर रहें। तभी अनुष्का के कमरे में काव्या आती है और कहती है, राजवीर के बारे में बाद में सोचना, पहले मनीषा के बारे में सोचना, वो रोज़ कोई ना कोई प्लान करती रहती है, आपको इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। तभी अनुष्का कहती है, हाँ हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा, उस मनीषा की जान किस में बसती है ये पता करना पड़ेगा। काव्या कहती है, हमने पता किया है, उसकी एक बेटी भी है जो मुंबई में रहती है, तो आप कहो तो उसे उठवाएं क्या? अनुष्का कहती है, नहीं हम इसमें किसी मासूम को नहीं घसीट सकते, इसलिए हमने सुजीत को भी छोड़ दिया, पर अनुष्का आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने आपको छूने की कोशिश की
पहली बार उसने आपको छूने की कोशिश की तब राजवीर ने आपको बचाया था। अगर राजवीर समय पर नहीं आया होता तो? तभी अनुष्का कहती है, हम कमज़ोर नहीं हैं, बस हम बेहोश थे और उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, वो बस अपनी माँ के कहने पर ऐसा करता रहता है। अब उसकी माँ को सजा देने का वक्त आया है, हम कल ही उनके महल में जाएंगे। अगले दिन अनुष्का अपने लोगों के साथ मनीषा के महल निकलती है। अनुष्का मनीषा के महल के बाहर आती है तभी उसकी मुलाकात सुजीत से होती है। तब सुजीत अनुष्का के पास आकर कहता है, आज सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला जो हमारा चांद सुबह सुबह ही हमारे घर आया है। तभी अनुष्का कहती है, अपना मुंह बंद करो और अपनी माँ को बुलाओ। तब सुजीत कहता है, चलो अंदर हम माँ को बुलवाते हैं। अनुष्का सुजीत के साथ महल के अंदर आती है तभी उनके सामने मनीषा आती है और कहती है, हमारी बहू पधारी है, उनका इस्तकबाल ढंग से करो। ये कहकर सारे नौकर अनुष्का का बड़े शाही ढंग से स्वागत करते हैं। तभी मनीषा कहती है, आप दोनों की जोड़ी भगवान ने ही बनाई है। अनुष्का मनीषा की इस बात पर चिढ़कर कहती है, हमारा स्वागत ऐसा करना ही चाहिए, आखिरकार हम जैसलमेर की राजकुमारी है और रहा सवाल आपकी बहू बनने का, तो हम ये आपका सपना पूरा होने ही नहीं देंगे। तो आप ये ख्याल मन से निकाल दें, हम आपको बस चेतावनी देने आए हैं कि हमारा राज्याभिषेक सोमवार को है, तो आप उसमें कोई अड़चन नहीं ढालेंगे। हमें हमारे पापा सा की वसीयत मिल चुकी है तो हमारा राज्याभिषेक कोई नहीं रोक सकता, और आपने कोशिश भी की तो आप समझ नहीं सकती हम क्या करेंगे। तभी मनीषा कहती है, पहले राजकुमारी की तरह दिखो तो सही, हम जानते हैं आपकी परवरिश एक मामूली लड़की की तरह हुई है, तो आप में राजकुमारी के गुण नहीं हैं और आप जैसलमेर की हुकूमत संभालने लगी, ये सपना देखना आप बंद कर दीजिए। तभी अनुष्का कहती है, हमें हमारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, हम किसी से कम नहीं हैं। तब मनीषा कहती है, तो हमसे तलवारबाजी करो, जो जीता वो उसकी एक बात मानेगा। हमारी शर्त है कि आपको सुजीत से शादी करनी होगी। और आपकी क्या शर्त है? तभी अनुष्का कहती है, आपको हमारे रियासत में हमसे बिना पूछे आने की इजाज़त नहीं है और आप कभी भी हमारे लोगों को परेशान नहीं करेंगी। दोनों कहते हैं, तो डन, चलो तो कल हम जैसलमेर में मुकाबला रखते हैं, आपके लोग भी देखें आप कितनी कमज़ोर हैं, तो कल ही हम आएंगे। अनुष्का हाँ कर देती है और वापस महल आती है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों, इस मुकाबले में कौन जीतने वाला है, आप लोगों को क्या लगता है कौन जीतेगा, मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर अनुष्का ये मुकाबला हार गई तो क्या सच में सुजीत और अनुष्का की शादी हो जाएगी? तो दोस्तों, आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। अपना ख्याल रखें, बाय दोस्तों।